तारीख थी 23 मार्च 1931। जगह सेंट्रल जेल लाहौर। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। आंधी के साथ ही सुबह का मौसम अचानक बदल सा गया था। तब तक कैदियों की भी आंखें खुल गई थी। जेल वार्डन चरत सिंह भी घूमते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे रात भर सोए नहीं थे। जब कैदियों ने उनसे कारण जानना चाहा, तो फिर कैदियों को भी अपनी अपनी कोठरियों में भगा दिया था और फिर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया था और कहा कि आदेश ऊपर से है। इस तरह के जवाब ने कैदियों के मन में किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। तब तक जेल का नाई बरकत भी आ धमका था। रोजाना हंसी मजाक करने वाला बरकत आज खामोश था। कैदियों को बरकत की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे और फिर बरकत का भी सब्र टूट चुका था। उन्होंने बता दिया कि आज शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है। गोरी सरकार भारतीयों से इतनी डर गई है कि आज की रात निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी तो उन्होंने 12 घंटे पहले ही फांसी देने का ऐलान कर दिया है। इतना सुनते ही कैदियों में मायूसी सा गई थी। अचानक जेल का माहौल गमगीन हो गया था और फिर सभी बरकत से अनुरोध करने लग गए थे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस दुनिया में बिरले ही होते हैं। कैदी बरकत से चाह रहे थे कि वो उनकी कोठरी में जाकर भगत सिंह की कोई निशानी, पेन, घड़ी, कंगा इत्यादि लाकर हमें दे दिया जाए, ताकि हम भी लोगों को बता सके कि किसी समय हम भी भगत सिंह के साथ जेल में रहा करते थे। उस दिन सुबह से शाम हो गई थी, मगर कैदी उन क्रांतिकारियों की कोठरी को बार बार निहार रहे थे। वे सब अपना दुख दर्द तो भूल गए थे और बार बार उन क्रांतिकारियों के लिए दुआ कर रहे थे। सबकी निगाहें उस मुख्य दरवाजे की तरफ थी, जहाँ से इन क्रांतिकारियों को फांसी के लिए ले जाया जाना था। जेल वार्डन चरत सिंह भी इस बात से बेहद दुखी थे। भगत सिंह जेल में भी किताबें पढ़ते रहते थे और अक्सर चरत सिंह उनके लिए लाइब्रेरी से किताबें लाया करते थे। मगर अब दुख इस बात का था कि आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला था। भगत सिंह और उनके साथियों को भी यह खबर पहुंचा दी थी, मगर उनके चेहरों पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने तो रास्ता ही यही चुना था और इसी दिन का वे इंतजार कर रहे थे। एक समय की बात है, जब भगत सिंह के एक साथी ने पूछा कि आप अपना बचाव खुद क्यों नहीं करते, तब भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह की कोठरी का नंबर 14 था। आंगन कच्चा ही था, कहीं कहीं घास भी नजर आ रही थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का मोटा तगड़ा शरीर बड़ी मुश्किल से आ रहा था। यह जो घड़ी आप देख रहे हो, यह भगत सिंह की प्रिय घड़ी थी, जिसे उन्होंने अपने साथी जयदेव कपूर को तोहफे में दे दी थी। शाम के करीब 6 बज गए थे, तभी अचानक भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता भी आ गए थे। मेहता जी से भगत सिंह का एक ही सवाल था कि आप मेरी लेनिन वाली किताब लेकर आए या फिर नहीं। तब तक मेहता जी ने अपने झोले से वो किताब निकालकर भगत सिंह के सामने रख दी थी और फिर भगत सिंह ने हाथों हाथ उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया था, मानो उनके पास समय बहुत ही कम है। ये जो खाकी रंग का कमीज आप देख रहे हो, यह भगत सिंह की आखिरी निशानी थी। यह तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उपलब्ध करवाया था। शाम के करीब 7 बज रहे थे और फिर तीनों क्रांतिकारियों को अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकाला गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने साथी कैदियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया था और फिर एक साथ तीनों ही आजादी का अपने प्रिय गीत गुनगुनाने लग गए थे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आजाद होंगे, वो जमीन भी अपनी होगी, वो आसमां भी अपना होगा। ये जो टोपी आप देख रहे हो, यह सुखदेव की है, जिन्हें वे अक्सर पहना करते थे। एक समय की बात है, जब भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिलने जेल में आई थी, तब भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, तू फांसी वाले दिन मत आना, उस दिन मुझे फांसी पर देखकर तुम रो दोगी और लोग क्या कहेंगे, देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। और फिर तीनों का बारी बारी से वजन किया गया और फिर उन्हें स्नान की आखिरी रस्म अदा करने को भी कहा गया था।
तब तक फांसी वाला समय भी करीब आ रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गाने के साथ ही वे तीनों जल्लाद की ओर आगे बढ़ रहे थी। फांसी देने वाले जल्लाद का नाम मसीह था, जिसे लाहौर के पास ही शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन क्रांतिकारियों के बीच में खड़े थे और बार बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस तरह कैदियों ने भी उनके स्वर के साथ स्वर मिला दिया था। जल्लाद ने तीनों के गले में फांसी की रस्सी भी डाल दी थी और हाथ भी बांध दिए थे। तब तक जल्लाद ने वो फांसी वाली रस्सी भी खींच ली थी। काफी देर तक उनके मृत शरीर उस तख्ते से लटके रहे थे और फिर बाद में उन्हें नीचे उतार कर उन्होंने अपनी अंतिम कार्यवाही को अंजाम दिया था। भगत सिंह ने अंग्रेजों को पहले ही बोल दिया था कि फांसी के बाद उनका मृत शरीर उनके भाई कुलबीर को सौंपा जाए, मगर धोखेबाज अंग्रेजों ने उस वादे को भी पूरा नहीं किया था। पहले तो वे उन तीनों को जेल परिसर में ही दाह संस्कार का प्लान था, मगर धुआं देखकर भीड़ जमा होने की भी आशंका थी। अंग्रेज सरकार बेहद डरी हुई थी। तत्काल जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया और फिर उनकी बॉडी को एक ट्रक में डालकर नदी के किनारे अंतिम संस्कार करना तय किया था और फिर सतलज नदी के किनारे ही जलाने लग गए थे। मगर तब तक आसपास के लोगों को भी भनक लग गई थी। इतनी भीड़ को जमा होता देखकर अंग्रेज लोग भाग खड़े हो गए थे। फिर उन लोगों ने रात भर उनकी शवों का पहरा दिया था और अगले ही दिन रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। ये जो जूते आप देख रहे हो, यह भगत सिंह के जूते हैं। गिरफ्तारी के दौरान यही जूते उनके पहने हुए थे। इस फोटो को उपलब्ध करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दूसरी तरफ जेल वार्डन चरण सिंह भी फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपने 30 साल के करियर में फांसियां तो खूब देखी थी, मगर मौत को इतने करीब से गले लगाने वाले बहादुरों को वे पहली बार देख रहे थे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उस समय भारत के बड़े नेताओं ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। दोस्तों, इन क्रांतिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।